हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज आपको क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है और क्या मैपिंग टास्क कवर करना है। देखिए, आप लोगों के लिए आज से एक नया टास्क रिवीजन टास्क भी दिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों से स्टार्टिंग में हमने कमिटमेंट किया था कि आप लोगों का हल्के हल्के टास्क है वो बढ़ता चला जाएगा, तो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ पढ़ने के लिए दिया जाता था एनसीईआरटी, फिर उसमें मैपिंग टास्क है वो ऐड किया गया। मैपिंग टास्क के बाद में इसमें हमने एडिटोरियल है वो ऐड किया था, और एडिटोरियल के बाद में अब आपका रिवीजन टास्क भी ऐड हो गया है। तो यानी कि पहले आप इसको कवर करने के लिए टास्क को पहले आपको 2 से 3 घंटे लगते होंगे, तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एडिटोरियल और आपको यहाँ पर रिविजन टास्क है वो भी अब आपको कवर करना होगा। तो रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो देखिए, यहाँ पर आज आपकी तैयारी का 30वां दिन है, और यहाँ पर आपको 29 अगस्त देखने को मिलेगी। तो आज आपको क्या पढ़ना है, और रक्षाबंधन आ गई है, तो रक्षाबंधन पर ऐसे नहीं कि आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी, तो रक्षाबंधन पर आप लोगों की क्लासेस ऑफ नहीं रहेंगी, आपकी उसी तरह से सारी क्लासेस चलने वाली है। तो देखिए, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हिस्ट्री एनसीईआरटी 8th क्लास। देखिए, अब आपको नई एनसीईआरटी पढ़नी है, अवर पास 3 के नाम से, हमारा अतीत भाग 3 के नाम से आपको देखने को मिलेगी। इसके आपको स्टार्टिंग के 5 चैप्टर पढ़ने हैं, सिर्फ स्टोरी के फॉर्म में पढ़ने हैं, इसके नोट्स नहीं बनाने हैं। हम बार बार आपको बता देते हैं कि आपको किसके नोट्स बनाने हैं, किसके आपको सिर्फ स्टोरी की तरह आपको पढ़ना है। तो इसको आपको जैसे नोवेल पढ़ते हैं, जैसे आप स्टोरी पढ़ते हैं, उस तरह से आपको पढ़ना है। और जब भी आपको कभी टाइम मिले, खाली टाइम हो, तो आप इन चीजों को दोबारा से रिवाइज कर लिया करिए, जैसे आप एक कहानी पढ़ते हैं। ओके, उसी तरह से आपको पढ़ना है। जिस एनसीईआरटी के नोट्स बनाने होंगे हम आपको बता देंगे। इसके अलावा देखिए, आपको यहाँ पर रिविजन टास्क है वो आपको दिया जाएगा। तो रिविजन टास्क में आज आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो टास्क नंबर 1 दिया गया था वो आपको आधा आज रिवाइज करना है। टास्क नंबर 1 कौन सा था, जिसमें हमें 6th क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़ने के लिए दी थी, और साथ में आपको कुछ मैपिंग लोकेशन आपको दी थी, तो वो आपको पढ़नी है, लेकिन आधा रिवाइज करना है आज। ओके, आधा कल रिवाइज करने के लिए देंगे, अभी कम रिवाइज करने के लिए आप लोगों को देंगे। तो आराम से आप लोग रिवाइज कर लेंगे, 20 से 25 मिनट या आधे घंटे में आप लोग आराम से रिवाइज कर लेंगे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एडिटोरियल। तो आज के न्यूज़पेपर में जो भी एडिटोरियल आया है, लेख वाला पार्ट, या फिर इंग्लिश में इसको एडिटोरियल के नाम से जाना जाता है, उसको आपको एटलीस्ट एक एडिटोरियल आप लोगों के लिए पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, उसके नोट्स वोट्स नहीं बनाने। वो मेंस में आपकी काफी हेल्प करेगा, ऐसे राइटिंग में भी काफी आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए देख लेते हैं मैपिंग टास्क, जो कि काफी इंपॉर्टेंट। आपको मैपिंग लोकेशन यहाँ पर आज देखने को मिलेंगी। तो देखिए, हम आपको कल पढ़ाए थे, मतलब कल नहीं, मतलब लास्ट जब आप लोगों के लिए ये लेक्चर दिए थे, तो उसमें हम यहाँ पर खेबर पास तक देख लिए थे। खेबर पास से हम आपको बताए थे, जैसे मैं थोड़ा साइड से हट जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखिए इस तरह से खेबर पास देखने को मिलेगा, जिससे आप पाकिस्तान से कहाँ चले जाएंगे, अफगानिस्तान में चले जाएंगे। तो हम खेबर पास से आगे की ये लोकेशन देख रहे हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस टास्क कवर नहीं किए हैं, वो जाकर के कवर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, खेबर पास देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो यहाँ से टास्क ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ मैपिंग लोकेशन प्रीवियस कवर कर ले रही है, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, पिछली वाली जो भी आपको पढ़ाई गई है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मैपिंग लोकेशन आप कवर कर लीजिए। हर वीडियो में 10 से 15 लोकेशन दी गई हैं, आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो देखिए, आप जैसे ही खेबर पास से आगे आएंगे, तब आप आ जाएंगे इधर तुर्कमेनिस्तान में। देखिए, कैस्पियन सी आपको देखने को मिल रहा है ना, इसी कैस्पियन सी में आप लोग आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है, तो यहाँ पर ही आपको लोकेशन स्टार्ट होती है। तो देखिए, आपको यहाँ पर काराकुम डिजर्ट देखने को मिलेगा। काराकुम डिजर्ट है वो तुर्कमेनिस्तान में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। हम लोकेशन यहाँ पर बना देते हैं, जिससे आप लोगों को सर्च करने में ज्यादा परेशानी ना हो। अपने एटलस में पहले आपको खोजना है, खोजने के बाद में आपको एक ब्लैक मैप लेना है, या फिर आप लोग हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद उसमें आपको नोट करना है। ओके, तो देखिए, एक आपको काराकुम डिजर्ट देखने को मिलेगा। फिर आपको देखिए यहाँ पर टूरिन लोलैंड देखने को मिलेगा। लोलैंड का मतलब होता है जो निम्न भूमि होती है ना, उसको बोलते हैं। तो देखिए, ये वाला जो रीजन, इससे आप लोग थोड़ा सा नॉर्थ में जाएंगे अरल सी के इधर, तो आपको ये वाला जो पार्ट है, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान वाला जो पार्ट है, यही आपको देखने को मिलेगा, टूरिन लोलैंड के नाम से जानते हैं। फिर आपको देखिए यहाँ पर अरल सी देखने को मिलेगा। ओके, ये झील टाइप की है, बस इसको सी बोला जाता है। तो देखिए, आपको देखने को मिलेगा अरल सी, आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर उस उरैत प्लेट्यू देखने को मिलेगा। उस उरैत प्लेट्यू कहाँ पर है, तो देखिए, ये कजाकिस्तान है ना, और ये तुर्कमेनिस्तान, इसी के पास पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैस्पियन सी से लगा हुआ ही है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये आपकी लोकेशन, ये कौन सी है, ये आपको उस उरैत प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो आपको कैस्पियन डिप्रिशिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, कैस्पियन सागर के एकदम नॉर्थ में आप लोग चले जाएंगे,
तो नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा कैस्पियन डिप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। और देखिए जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के आप नॉर्थ वाले पार्ट में रहेंगे तो बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको हम द स्टेपीज के नाम से जानते हैं, आराम से आप लोगों के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर समझ लीजिए ये इधर है, ओके, क्योंकि यहाँ पर ऊपर का मैप है, नहीं तो समझ लीजिए यहाँ पर आपको इस तरह से द स्टेपीज वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए आपको, देखिए यहाँ पर कैकोस माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा कैकोस माउंटेन रेंज, ये यूरोप और एशिया को विभाजित भी कर रही है, ओके। तो ये रशिया वाला पार्ट दिख रहा है और इधर आपको जॉर्जिया अजरबैजान वाला पार्ट आपको दिख रहा है। तो इसी के बीच में इस तरह से इस एक तरह से सीमा का निर्धारण करती है। फिर देखिए आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको माउंट अरारत आपको देखने को मिलेगा, तो वो यहाँ पर ही है, ओके। जो अजरबैजान है ना, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा आराम से। फिर आपको एल्ब्रूज, एल्ब्रूज आपको एकदम कैस्पियन सी है ना, कैस्पियन सी के आप लोग एकदम साउथ में आ जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पर ही कैस्पियन सी में देखिए एक छोटी सी खाड़ी टाइप की दिख रही है जिसको काला बाजार या फिर इसके लिए गोल खाड़ी के नाम से भी जानते हैं। इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा जिससे थोड़ा बहुत आपको याद रहे। ये देखिए आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ऐसे छुटकू सा छुटकू सा दिख रहा होगा भाई, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपको एल्ब्रूज माउंटेन, यहाँ पर आपको ये देखिए तहरीन आपको देखने को मिलेगी ना, यहाँ पर ही आपको ये एल्ब्रूज माउंटेन देखने को मिलेगा। फिर देखिए दस्त ए कबीर, दस्त ए लूट और प्लेटियो ऑफ ईरान, ये देखिए आपको बता देते हैं ये आपको ईरान में ही देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर पहले दस्त ए कबीर देखने को मिलेगा और इसको सॉल्ट डिजर्ट के नाम से भी जानते हैं, ओके। फिर आप लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको इस तरह से दस्त ए लूट देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछा जाएगा दस्त ए लूट कहाँ पर है, तो ईरान में है, और दस्त ए कबीर कहाँ पर है, ये भी आपको ईरान में देखने को मिलेगा। और ईरान प्लेट्यू तो जाहिर सी बात है ईरान में ही आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से ईरान प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा। और फिर देखिए इधर आपको माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी जिसको जैगरोस माउंटेन रेंज बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा मैप दिया रखा है, ये मैप वहां पर इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि ऊपर लोकेशन नहीं दे रखी थी। तो देखिए यहाँ पर आपको दोबारा से बता देते हैं, ये देखिए सॉल्ट डिजर्ट है ना जो आपको बताई थी, ये इसको दस्त ए कबीर के नाम से भी जानते हैं। और फिर देखिए दस्त ए लूट आपको ये देखने को मिलेगा, मैं थोड़ा साइड से हट जाता हूँ। फिर देखिए ईरानियन प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको ये देखिए जैगरोस माउंटेन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इस तरह से सारी लोकेशन आपको मिलेंगी। फिर आप लोग देखिए यहाँ पर आपको मेसोपोटामिया देखने को मिलेगा, आप लोग हिस्ट्री में कई बार सुने होंगे मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामिया कहाँ पर है, ये देखिए सीरियन डिजर्ट है और इधर जैगरोस माउंटेन है। इधर देखिए ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, यही पार्ट क्या है, यही मेसोपोटामिया वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ओके। और इससे आप कहाँ आ जाएंगे, इधर पर्सियन गल्फ में आ जाएंगे और गल्फ ऑफ ओमान में जो आपको पहले ही लोकेशन बता चुके हैं, इधर आपको ये लोकेशन सिर्फ देख लेनी है, नोट नहीं करनी है, ओके। तो देखिए आपको यहाँ तक, कहाँ तक आ गए हैं, मेसोपोटामिया तक आप लोग आ जाएंगे। फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको पहली लोकेशन आपको देखिए देखने को मिलेगी, यहाँ पर रूब अल खली आपको देखने को मिलेगी, ओके। देखिए ये है रूब अल खली, आपको ये देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको ये पूरा, ये जो पूरा है ना अरेबियन पेनिसुलर आपको ये देखने को मिलेगा, ये पूरा जो आपको देखने को मिल रहा है ना, देखिए मैं पूरा खींच दूंगा तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, लेकिन एक बार खींच देता हूँ। ये देखिए पूरा इस तरह से ये आपको पेनिसुलर देखने को मिल रहा है, प्रायद्वीप देखने को मिल रहा है। इस पूरे को बोलते हैं अरेबियन पेनिसुलर, ऐसा नहीं मैं जितने में मैंने इस तरह से लिखा है ये पूरा इतना ही है, नहीं इस पूरे को ही बोलते हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। देखिए इधर आपको रूब अल खली देखने को मिलेगा, फिर आपको देखिए अरेबियन पेनिनसुला आपको देखने को मिल जाएगा, वैसे ही पूरा अरेबियन पेनिनसुला ही है। देखिए उसके बाद में देखिए आपको यहाँ पर, इधर देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एडी देहना करके, ये है ये वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट है। हो सकता है आपके मैप में ना दिया रखा हो तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। फिर आप लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर आपको देखिए यहाँ पर ये सीरियन डिजर्ट आपको दिख रहा है ना, सीरियन डिजर्ट के पास में ही यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा डेड सी देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में सीरियन डिजर्ट है तो सीरियन डिजर्ट तो ये हमने अभी देख लिया। फिर आपको यहाँ पर ये तोरश माउंटेन है ये आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको एनोटोनिया का ये प्लेट्यू है ये आपको देखने को मिलेगा, एनोटोनिया प्लेट्यू है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आपको लोकेशन, और इधर देखिए ये आपको रेड सी यानी कि लाल सागर दिख रहा है ना, लाल सागर, इधर देखिए आपको माउंटेन रेंज भी दिख रही है, अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अरेबियन पेनिनसुला के अंतर्गत ही आती है, जो हम इम्पोर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे थे। देखिए आपको यहाँ पर गल्फ ऑफ
एकोवा है ना, ये आपको देखने को मिलेगी, गल्फ ऑफ एकोवा और यहाँ पर गल्फ ऑफ सुइज। देखिए ये दो काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको देखने को मिलेगी, गल्फ ऑफ सुइज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर ही सुइज नहर का निर्माण किया गया है। जब आपको हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसको सविस्तार में आपको पढ़ेंगे। तो इस सुइज नहर के माध्यम से देखिए एक आर्टिफिशियल कैनाल देखने को मिलेगी जो चैनल बेस पर चलती है। इसमें चैनल है, उन चैनलों के माध्यम से शिप को ट्रांसफर किया जाता है हल्के हल्के। तो इसके माध्यम से रेड सी से कहाँ चला जाते हैं, भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरियन सी में चले जाते हैं। बड़े बड़े शिप होते हैं वो चले जाते हैं आराम से। वरना क्या होगा, अगर इस स्विस नहर है अगर ये बंद हो जाए, इसमें पिछले समय आपने सुना होगा मतलब कुछ महीने पहले यहाँ पर एक ऑयल टैंकर था वो फंस गया था, और फंसने के कारण पूरे विश्व के लेवल पर जो सप्लाई चेन थी वो डिस्टर्ब हो गई थी, और महंगाई थी थोड़ी सी बढ़ गई थी और कई जगह पर चीजों की कमी पड़ गई थी। तो आप समझ रहे हैं इस स्विस नहर है इसका आर्थिक महत्व कितना ज्यादा है कि एक सिर्फ यहाँ पर सिप है वो स्टक कर गया था, फंस गया था, जिस कारण कई देशों में चीजों की कमी पड़ गई थी। यानी कि आप लोग समझ सकते, तो ये बहुत ही ज्यादा आर्थिक रूप से और व्यस्ततम नदीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, जो सी मार्ग आपको देखने को मिलेगा। तो इसके माध्यम से आप कहाँ जा सकते हैं, लाल सागर से भूमध्य सागर में आप प्रवेश कर सकते हैं। तो आपको ये सारी लोकेशन है आपको देखनी है, बार बार आप इसको रिवाइज कर सकते हैं 1 से 2 दिन में। ओके, तो आपको क्या होगा, और हाँ जब भी आप लोग मैपिंग लोकेशन कवर किया करिए तब आपको पूरी की पूरी जितनी आपने मैपिंग लोकेशन अभी तक करी है वो सरसरी निगाहों से आपको एक बार देख लेनी होती है, जिससे आप लोग कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ओके, और देखिए अभी आप लोगों का देखिए ज्योग्राफी है वो लास्ट महीने में आप लोगों को कवर कराया गया था, अभी अगस्त चल रहा है, इस वजह से आपको यहाँ पर हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। इसी तरह से अगले महीने में इस तरह से आपको सब कुछ कवर कराया जाएगा। ये लेक्चर है आपको सुबह 8 बजे डेली टास्क का मिल जाता है, इसमें आपको डेली बताया जाता है कि आज आपको क्या पढ़ना है, क्या रिविजन करना है, क्या मैपिंग टास्क कवर करना है। इसके अलावा 3 बैचेस हैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लॉन्च किए हैं, इसका टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं, एक शाम को 6 बजे और दोपहर में 3 बजे, ये दो आपकी लाइव क्लास चलती हैं, आपकी दो लाइव क्लास चलती हैं, आप लोग आकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एक आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलती है 12 से 1 बजे के बीच में, ये लाइव क्लास नहीं होती, ये दोनों लाइव क्लासे होती हैं, रिकॉर्डेड क्लास शिवम सर के द्वारा प्रदान की जाती है। और एक क्लासेस हैं ये द हिंदू का हिंदी में कंपाइलेशन करके दिया जाता है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डाउट क्लियरेंस सेशन है वो आप लोगों के चलते हैं, और सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए इसी तरह से टेस्ट है वो मिलता है। ओके, मतलब टास्क है वो मिलता है, टेस्ट आप लोगों का संडे को होता है और आप लोगों का विजन भी आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लब आईएएस एस्पिरेंट है, इस चैनल पे आप लोग जाएंगे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आपको इस तरह से अलग से सभी सब्जेक्टों की और सभी बैचों की हमने अलग से यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको इधर उधर सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, और आपको किस सब्जेक्ट पर हम कितने क्लासेस कितने घंटे क्लासेस देंगे वो यहाँ पर साबिस्तान बताया गया है, मैं देखिए साइड से हट जाता हूँ, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, आपके आप लोगों के आई कार्ड भी बन गए हैं, इस वीक के नहीं बने अभी तक, जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे वो सभी के बन गए हैं, जिन लोगों ने इस वीक में सिर्फ फॉर्म भरे उन लोगों के नहीं बने। ओके, तो उन लोगों का बन जाएगा, अपना आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। चलिए इस लेक्चर को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से अपना प्यार